आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस लाल बटन को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। दोस्तों, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत लोगों से व्हाट्सएप पे बात होती है, बहुत से लोग मेल करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग विदेश यात्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं एक वीडियो तैयार करता हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा विदेश यात्रा के क्या क्या योग होते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ उसके साथ जो घंटी बनकर आ रही है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशंस आपको पहली बार मिल पाए। चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं। ये सैंपल पाम जो मैं हमेशा आपके लिए लेता हूँ, आज मैं आपको इसी पर बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे लक्षण हैं या कौन से ऐसे योग हैं आँख में जो आपको विदेश यात्रा यानी कि फॉरेन ट्रेवल कराते हैं। और साथ ही साथ इसका इंग्लिश वर्जन भी मैंने बनाया है, वो मैं आपको इंग्लिश चैनल पे, मेरा एक नया चैनल इंग्लिश का है, उसका लिंक मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हमारा जो चंद्र भाग होता है, ये हमारा चंद्र का भाग होता है, ठीक है। तो इसके कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि तो कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि सर कलर चेंज कर लिया कीजिए। ये हमारा चंद्र का भाग है। अगर यहाँ से कोई रेखा निकलती है और सीधा हमारी जीवन रेखा यानी कि इस लाइफ लाइन में आके मिलती है, ठीक है, और यहीं से कोई रेखा यानी कि भाग्य रेखा आपकी इस तरह से चल रही है, मतलब यहाँ पर ज्वाइंट हुई और यहीं से कोई आपकी भाग्य रेखा सीधी चल रही है, ठीक है। मेरी लाइन सीधी नहीं आ रही क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। मतलब एक रेखा आपकी निकली चंद्र पर्वत से यानी मून माउंट से, और वो आपकी लाइफ लाइन से मिली यानी कि यहाँ पर आकर मिली, और यहीं से आपकी भाग्य रेखा पहुंची और वो आपके शनि माउंट, ये आपका शनि का माउंट है, यहाँ पर आकर मिली, ऊपर तक गई। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो एक तो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाता है यानी फॉरेन ट्रैवल करता है, और साथ ही साथ वहीं पर रह के काम भी करता है। तो ऐसे लोगों के हाथ में जो होता है, एक तो वो अपनी एकेडमिक्स पूरी करने के बाद हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन जाते हैं, वहाँ वहीं पर सेटल होके वहीं पर जॉब भी करते हैं। अब दूसरी इंडिकेशन की बात कर लेते हैं, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। अगर कोई, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारा चंद्र पर्वत है, वो चंद्र पर्वत का इलाका है, यहाँ से कोई रेखा अगर निकली और हमारी जीवन रेखा से मिल गई, ठीक है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो भी विदेश यात्रा करता है। ये एक बहुत सिंपल इंडिकेशंस है। अगर आप किसी भी पामिस्ट्री से जाकर पामिस्ट से पूछोगे तो सबसे पहले वो जो देखेगा वो यही देखेगा कि आपकी कोई ट्रेवल लाइन जो है वो आपकी लाइफ लाइन से आके तो नहीं मिल रही, ठीक है। क्योंकि जो भी हम ट्रेवल्स हम देखते हैं वो हम लोग मून से ही देखते हैं ज़्यादातर पामिस्ट्री में। जब आप पामिस्ट्री को और अच्छे से पढ़ाई करोगे और जानोगे, तो जो लोग जानते हैं उनको पता भी है कि ज़्यादातर ट्रैवल लाइन्स हमारी होती हैं वो हमारी मून पर्वत पर ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई इंडिकेशन आपके हाथ में है तो वो भी आपको दिखाता है। साथ साथ अगर कोई यहाँ से रेखा निकली और वो आपकी माइंड लाइन, ये हमारी माइंड लाइन है, ये हमारी माइंड लाइन है, इससे आगे अगर हमारी मिल गई, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो भी विदेश यात्रा करता है। लेकिन उसकी जो विदेश यात्रा होती है वो पर्सनल ना होके उसकी बिजनेस की होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करने चले गए, कॉन्ट्रैक्ट करने चले गए। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं
वो लोग जो होते हैं वो कांटेक्ट या कहूँ बिजनेस ट्रैवल उनके ज़्यादा होते हैं, और जो मेंटल वाले मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं उनके लिए ये इंडिकेशंस होती हैं। तो बिजनेस पर्सन्स को आप इनमें गिन सकते हैं, लेकिन ये मौज मस्ती वाली और पढ़ाई वाली इंडिकेशंस नहीं हैं। अगर एक इंडिकेशन में और बताऊं आपको, अगर आपका एक तो ये जो आपका जो ये जो पार्ट है आपका, खास तौर से ये वाला मतलब ये शुक्र का पार्ट है हमारा, ये अगर आपका अच्छा है, साथ ही साथ आपका जो चंद्रमा का भाग मैंने आपको बताया, मून आपको बताया, ये काफ़ी अच्छा है, और जीवन रेखा आपकी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, ये जो है ये काफ़ी आपकी स्ट्रांग अगर है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो भी कई बार इसमें देखो कोई रेखा नहीं आई, लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमारा शुक्र काफ़ी अच्छा रहा और हमारा क्या नाम है ये का मून काफ़ी अच्छा रहा और आपकी जीवन रेखा। तो ऐसा व्यक्ति की भी कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि वो भी विदेश जाता है। और अगर यहाँ पर कई सारी लाइन्स हैं आपकी, जैसे यहाँ बहुत सारी लाइन्स आपको दिख रही हैं मून पर्वत पर, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो टिक के विदेश यात्रा नहीं करता, वो मौज मस्ती करता रहेगा जाता रहेगा। साथ ही साथ अगर गुरु पर्वत भी आपका अच्छा है, ठीक है, और यहाँ से कोई रेखा यहाँ से निकल रही है और सीधा गुरु पर्वत तक जा रही है, मतलब पूरे हाथ को क्रॉस करते हुए गुरु पर्वत तक पहुँच रही है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति भी कहीं ना कहीं विदेश यात्रा करता है। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन होते हैं जो प्रायः बहुत लोगों के हाथ में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये मैंने आज कुछ आपको इंडिकेशंस दी, इसी तरह से मैं आपको जानकारी देता रहूँगा, और आप इस चैनल पे क्या क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ऐसे शेयर करती रहिए हमारी वीडियोज़ को, काफ़ी शेयरिंग आप लोग करते हैं उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो आप मैं देखता हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पर मेरी वीडियोज़ को शेयर करते हैं, तो आप इसी तरह से व्हाट्सएप पर और फेसबुक के ग्रुप पर आप ज़रूर शेयर करते रहिए, और अगर आप मुझसे चाहते हैं कांटेक्ट करना तो आप 9411848508 9666-6238253 पर हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा। और जितने भी एनालिसिस हम लोग करते हैं वो सारे एनालिसिस अब पेड हैं, कोई भी एनालिसिस अब फ्री नहीं है। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं bhatnagarabhi2411@gmail.com पर। आप मेरी वेबसाइट ज़रूर देखिएगा, इन वेबसाइट से आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है और डे टू डे हम इनको अपडेट करते रहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, लाइक करिएगा ज़रूर और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।